हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहाँ पे आयुर्वेद की एक बेहतरीन औषधि के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है शतावरी। शतावरी का नाम आप सभी लोगों ने शायद सुना होगा। मुझे काफी सारे फ्रेंड्स, काफी सारे व्यूअर्स जो मेरा वीडियोस रेगुलर देखते हैं, उन लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप शतावरी के ऊपर वीडियो बनाइए। इसलिए आज मैंने एक यहां पे शॉर्ट स्टडी शतावरी के ऊपर आपको मैं बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं शतावरी के बारे में। शतावरी को लेटिन में एस्परजस रेसिमोसा कहा जाता है, ये उसका लेटिन नेम है जिसे हम शतावरी के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, शतावरी जो है वो पाउडर स्वरूप में जनरली या तो उसके रूट के स्वरूप में उसका सेवन किया जाता है। शतावरी का पाउडर स्वरूप में अगर हम सेवन करें तो उसका आधी से एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म गुनगुने पानी या तो दूध के साथ उसका सेवन किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप शतावरी का बेहतरीन रिजल्ट्स आपकी बॉडी में पाना चाहते हैं तो उसका लगातार 3 से 6 महीने तक आपको सेवन करना जरूरी है। शतावरी का बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल साइड इफेक्ट से लेस औषधि है और ये शरीर में पित्त का शमन करती है। यानी कि जो लोग एसिडिक बॉडी नेचर वाले हैं, जिनकी बॉडी में पित्त का प्रमाण ज्यादा रहता है, वैसे लोगों के लिए तो ये वरदान के स्वरूप में औषधि है। लेकिन पचने में थोड़ा भारी होता है और ये आयुर्वेद के रसायन औषधियों में से एक है। इसीलिए शुरुआत में आप उसका सेवन आधी आधी चम्मच के स्वरूप में करें, फिर उसका सेवन आप एक चम्मच सुबह शाम भी कर सकते हैं। लेकिन इसका बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आप इसे कम से कम 2 से 3 महीने तक रेगुलर लें। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि शतावरी से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला, शतावरी का आयुर्वेद में जो रोल बताया गया है वो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करने में है। यानी कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा होने के बाद जिन महिलाओं को ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से नहीं आता है, वो महिलाएं सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक चम्मच शतावरी का पाउडर गर्म गुनगुने दूध के साथ रेगुलर 2 से 3 महीने तक ले तो उनका ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से आएगा और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस यानी कि एसिडिटी की तकलीफ रहती है, वो लोग शतावरी का सेवन कर सकते हैं। जो यंग लड़के लड़कियां जिनको एक्ने यानी कि पिंपल्स की समस्या रहती है, उन लोगों को भी शतावरी का सेवन करने से बहुत फायदा होता है। जो लोग जिम में जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, उन लोगों को एज ए सप्लीमेंट शतावरी का सेवन कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा नर्वाइन टॉनिक है। फ्रेंड्स, जिन लोगों को नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि जिन लोगों को एपिलेप्सी है, सिजोफ्रेनिया है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जिन लोगों को न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, जिनको फिंगर्स में बर्निंग होता है, वैसे लोगों के लिए शतावरी बेहतरीन औषधि है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कौन कौन लोग शतावरी का सेवन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से डिसीज में शतावरी का सेवन किया जा सकता है। जिन लोगों को टेंशन हेडेक रहती है, जिन लोगों को सर दर्द रहता है, वो लोग शतावरी की एक चम्मच पाउडर का रात को सोने से पहले एक कप गर्म गुनगुने दूध के साथ सेवन करें कम से कम 1 से 2 महीना, तो उनका टेंशन हेडेक बिल्कुल दूर हो जाएगा। जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है, वैसे लोग शतावरी और अश्वगंधा ये दोनों पाउडर का समान मात्रा में मिश्रण करके उसमें से एक चम्मच रात को सोने से 1 घंटा पहले एक कप दूध के साथ रेगुलर लेंगे तो उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो फीमेल प्रेग्नेंट है और वो आयुर्वेदा सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं, उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो, उसके लिए उन फीमेल्स को अश्वगंधा, शतावरी और आंवला ये तीनों पाउडर का समान मात्रा में मिश्रण करके उसमें से 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे के बाद 1 कप दूध के साथ लेना चाहिए, उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। जिन लोगों को हार्ट डिसीज है, हृदय रोग की तकलीफ है, वैसे लोग शतावरी चूर्ण का अगर रेगुलर सेवन करेंगे तो हार्ट डिसीज में बेहतरीन बेनिफिट्स होते हैं। जिन लोगों को अल्सर की तकलीफ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की तकलीफ है, जिन लोगों को अल्सर की तकलीफ की वजह से पेट में दर्द होता है, उनका वजन उतर रहा है, तो वैसे लोग अश्वगंधा, निशोथ और शतावरी ये तीनों पाउडर का समान मात्रा में मिक्सचर करके उसमें से आधी आधी चम्मच सुबह शाम पानी के साथ अगर सेवन करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। जिनके शरीर में तीनों दोष यानी कि वायु, पित्त और कफ ये तीनों दोषों का प्रकोप एक साथ हुआ है, वैसे लोग 100 ग्राम त्रिफला चूर्ण और 100 ग्राम शतावरी चूर्ण इसका मिश्रण करके उसमें से 1 चम्मच सुबह खाली पेट अगर उसका सेवन करते हैं तो उनको तीनों दोषों का प्रकोप यानी वात, पित्त, कफ तीनों दोष बैलेंस हो जाएंगे और वो अपने रोग में से निजात प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद जिन लोगों का वजन कम है और अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, वैसे लोग शतावरी,
अश्वगंधा और सफेद मूसली, ये तीनों का समान मात्रा में मिश्रण करके उसमें से एक चम्मच रात को सोने से पहले एक कप गर्म गुनगुने दूध के साथ लेंगे तो उनका धीरे धीरे वजन बढ़ता जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, इसका सेवन आपको कम से कम 2 से 3 महीने तक करना है ताकि आपको उसके प्रॉपर रिजल्ट्स प्राप्त हो सके। उसके बाद जिन लोगों को स्वेलिंग आती है शरीर में एनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से, जिनके शरीर में खून की कमी है, रक्त क्षय है जिन लोगों का, वैसे लोग पुनर्नवा, गोखरू और शतावरी, ये तीनों का समान मात्रा में मिश्रण करके उसमें से एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद अगर लेंगे, उनका जो विटामिन डेफिशिएंसी है वो भी धीरे धीरे क्योर हो जाएगा और वो लोगों के शरीर में जो खून कम है, हीमोग्लोबिन कम है, रक्त क्षय है, जिनका एचबी लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप रहता है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और चेहरे पे और होठों पे लाली आ जाएगी। जिन पुरुषों में सेक्सुअल प्रॉब्लम यानी कि लिबिडो की तकलीफ है, जिन्हें सेक्स में अनिच्छा हो रही है, कामेच्छा बिल्कुल कम हो गई है, उन लोगों को 100 ग्राम सत्तावरी, 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम सफेद मूसली, 100 ग्राम गोखरू, इसका मिश्रण करके उसमें से एक एक चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद या तो रात को सोने से एक घंटा पहले एक कप गर्म गुनगुने दूध के साथ सेवन करने से लिबिडो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और सेक्सुअल अनिच्छा का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जो लोग हेयर फॉल से पीड़ित है, जिनको बाल झड़ने की समस्या है, उन लोगों को क्या करना है, 100 ग्राम शतावरी, 100 ग्राम अश्वगंधा और 100 ग्राम सफेद मूसली, ये तीनों पाउडर का समान मात्रा में मिश्रण करके उसको एक एक चम्मच सुबह शाम खाने से आधा घंटे के बाद दूध के साथ लेना है। ये करने से बालों के झड़ने की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको आज शतावरी औषधि के बारे में काफी यूजफुल बेनिफिट्स भी बताए, इसे आप यूज कर सकते हैं, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। ये ऐसे फॉर्मुलेशन मैंने आपको बताए हैं, ऐसे तरीके मैंने आपको बताए हैं जिसको हमने अपनी डे बाय डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में ट्राई किया है और लोगों को उसके अद्भुत परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, आशा रखता हूं आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।